अब हमारे आता है लंग्स। लंग्स यानी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं। द लंग्स आर टू इन नंबर। अब हमारे पास लंग्स कितने होते हैं? दो लंग्स होते हैं। ये फोटो दिख रही है, ये हो गया नंबर वन, ये हो गया नंबर टू। तो यानी कि हमारे पास दो दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लोकेटेड वन ऑन ईच साइड इन द चेस्ट, यानी कि हमारी चेस्ट में दोनों तरफ, एक होता है हमारा लेफ्ट तरफ और एक होता है हमारा राइट तरफ, या फिर आप इसको लेफ्ट बोल लो या इसको राइट बोल लो, जैसे आप खड़े हो। तो एक हमारा लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, एक हमारा राइट साइड प्रेजेंट होता है चेस्ट में। दे आर नोन एज एयर बैग्स। अब इनको हम क्या बोलते हैं? एयर बैग्स। एयर बैग्स का मतलब कि इनके अंदर हवा भरी होती है, ठीक है। अब जो हम सांस लेते हैं वो कहाँ जाती है? नोज से जो हम ब्रीथ करते हैं वो हमारी जाती लंग्स में है। तो ऑक्सीजन क्या होती है? हवा ही तो होती है। तो हवा जो हम ले रहे हैं वो कहाँ जा रही है? लंग्स में। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको? एयर बैग्स। दे हेल्प अस टू ब्रीथ एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। अब जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमें मदद करते हैं सांस लेने में, और हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में। कैसे? ब्लड के थ्रू। अभी मैंने आपको बताया था, हम जब सांस लेते हैं तो सांस में जो हमारी एयर है, एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो जो हमने ऑक्सीजन ली वो कहाँ गई? लंग्स में गई। अब लंग्स ने क्या करा? उस ऑक्सीजन को हमारे हर बॉडी पार्ट तक पहुँचाया। कैसे? ब्लड की मदद से। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो हार्ट होता है वो ब्लड पंप करता है और ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है ना, भेजता है ना। ऐसे ही जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को हमारी पूरे बॉडी के अंदर भेजते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लंग्स का फंक्शन क्या हो गया कि दे हेल्प अस टू ब्रीथ एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड, ठीक है। ये हमारे लंग का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा लिवर। द लिवर लाइज बिलो द लंग्स। अभी हमने क्या पढ़ा था? लंग्स के बारे में। तो जो हमारा लिवर होता है वो बिल्कुल हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि ये हमारी बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है उसमें सबसे बड़ा होता है साइज में। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। अब हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। तो हमारा लीवर का फंक्शन क्या हो गया? इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ये हमारे लीवर का फंक्शन हो गया। आप देख लो, लीवर ऐसा दिखता है, हमारा जो लीवर है उसकी शेप ऐसी होती है। अब आता है, लिवर इज द ओनली ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट कैन रीजनरेट इट्सेल्फ। रीजनरेट का मतलब क्या होता है? रीजनरेट का मतलब होता है कि वो दोबारा से अपने आप को बना सकता है, अपने आप को ग्रो कर सकता है। अब आता है स्टमक, यानी कि हमारा जो पेट होता है। इट इज अ जे शेप्ड बैग लाइंग बिलो द चेस्ट रीजन। अब जो स्टमक होता है वो हमारा जे शेप का होता है। देखो, ये जे शेप बन रही है ना, इसकी ऐसे होता है ना जे, और ये जे शेप बन रही है हमारी स्टमक की, और ये हमारे चेस्ट रीजन के नीचे प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। अब जो स्टमक होता है वो भी हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये क्या हो गया? हमारा स्टमक का फंक्शन हो गया कि हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारी इंटेस्टाइंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटेस्टाइंस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे पास दो तरीके की इंटेस्टाइन होती है। एक होती है बड़ी, यानी कि ये बाहर वाली, और एक होती है छोटी, यानी कि ये अंदर वाली। इंटेस्टाइंस आर लोकेटेड बिलो द स्टमक। अब जो स्टमक है उसके नीचे हमारे कौन प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइंस हेल्प इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। अब जो हमने खाना खाया है उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमने पढ़ा था ना क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, है ना, और क्या हो गया, जैसे मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए,
इन सबको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, खाने में से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है।